हेलो डिवाइन, आप लोगों ने दोस्तों एक बात पे जरूर ध्यान दिया होगा। कौन सी बात? वो है ट्विन फ्लेम्स के पीछे विंग्स की होती हैं, पंख की होते हैं। ऐसी इमेजेस आपने देखी है, जरूर देखी होंगी, हर जगह आपको लगातार मिलती है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसको जानकर एक स्टेप और आप आगे कैसे इस जर्नी में स्मूथ बना सकते हैं, एक स्टेप और आगे अवेकन कर सकते हैं अपने आप को, इसी पे मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं अंगदिष्टो। दोस्तों आज कुछ खास है, क्योंकि एक लेडी का जैसे प्रश्न पूछा गया कि विंग्स के बारे में एग्जैक्टली मैं इसका मीनिंग बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि इसका मीनिंग क्या होता है, और आप लोग जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं वो एक्चुअली उनके विंग्स क्यों नहीं होते हैं, एक्चुअली इसकी सिंबलाइजेशन क्यों दिया गया है, विंग्स क्यों दिखाए जाते हैं इमेजेस में, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, उसी को हम बात करेंगे। दोस्तों हमारे भारत में आपने पहले से नोटिस किया होगा देवदूत शब्द। देवदूत कौन होते हैं? जो एक्चुअली आपकी हेल्प एंजल्स की तरह, लाइक एंजल्स कौन होते हैं, एंजल्स के भी पर दिखाई देते हैं, पंख दिखाई देते हैं। और जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, इन माय केस, या कोई ऐसे पर्सन जिनके पास लाइफ रिग्रेशन हुआ है, या जिन्होंने थेरेपिस्ट के द्वारा उनको पास लाइफ में गए, या कभी भी उनको एंजल्स दिखे हैं, उन लोगों से पूछिए, उनका एक भव्य चमकदार ऑरा होता है, चारों तरफ एक ऑरा होता है। वो ऑरा गोल गोल सा ऑरा, वो पंखनुमा आकृति, उसका जो शेप होता है पंखनुमा दिखाई देगा। तो हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो पंख दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग उसको पंख मानते हैं, वो एक्चुअली उनका ऑरा होता है, जो चमकदार गोल्डन ऑरा। जब आपका वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं तो आपका वाइट ऑरा होता है, पंखनुमा, चमकदार, शाइनिंग, इस तरह का आपको ऑरा नज़र आएगा। जो भी लोग बहुत हाई लेवल पे लोगों को गाइड करते हैं, हील करते हैं, उनका भी इस तरह से ऑरा होने लगता है धीरे धीरे। ये प्रोसेस है, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली कोई बहुत हायर स्टेज तो नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाना ऐसा कुछ नहीं है कि आप एनलाइटमेंट को पा गए हैं या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएं। बहुत केसेस में मैं दोस्तों देखता हूँ कि किसी को पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी हूँ, तो बहुत खुश, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, उस चीज़ से अटैच हो जाता है। ये अटैचमेंट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस जर्नी में तो अटैचमेंट आपको दूर करनी है। इस जर्नी को आपको हार्ट चक्र से भी ऊपर जाना है, हायर वाइब्रेशन पर पहुँचना है, तभी तो आपके ट्विन्स मिले हैं। ट्विन मिलने के बाद आपके लाइफ में सडन चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आपके शिव शक्ति संयोग के बाद रनर चेजर का कुछ गेम चल सकता है, कुछ केसेस में मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, एक जब जाएगा तो दूसरा आएगा। तो ये रनर चेजर का जो फेज़ है वो तभी चलता है जब आपके कार्मिक बॉन्ड्स, आपके जो कार्मिक पैटर्न है वो बेहतर ना हो। अगर आपने ध्यान वगैरह करके, मेडिटेशन, इनर वर्क करके अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है, तो आपका ये रनर चेजर का गेम नहीं चलता है। तब आपका रीयूनियन होता है परमानेंट, इवन 3D प्लेन पर भी, और बाद में भी आपका 5D प्लेन पर भी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस फेज में आपका सोल सॉन्ग मैच करता है। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है सोल सॉन्ग क्या होता है। सोल सॉन्ग में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि आपका एक स्पेसिफिक ऑरा, आप कौन है, जो आपको आप बनाता है, हु एम आई, जो आपको आप बनाता है, वही आपका सोल सॉन्ग है। आपकी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, आपकी स्ट्रेंथ, वही आपका सोल सॉन्ग है, वो मैच करती होगी आपकी ट्विन फ्लेम से। भले वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हो, लेकिन अगर वो अपने हायर फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे तो आपका सोल सॉन्ग उनसे मैच बिल्कुल ही करेगा। और ऐसे भी लोग बोलते हैं जैसे सोल फैमिली, ठीक है, आपकी सोल फैमिली में कोई ना कोई स्पिरिट गाइड, टीचर, मेंटर, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सोल मेट्स हैं, वो सब होते हैं, इवन ट्विन फ्लेम भी होता है। इन लोगों से आप मिलते हैं और इनसे ग्रोथ पाते हैं, इनसे इम्प्रूवमेंट पाते हैं। और इसी केसेस में बहुत बार हमको क्या मिलते हैं, कुछ इस तरह के ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम्स के विंग्स का जो रहस्य ये है, मेन बात बताऊं कि उनका ऑरा, जब अपने वो हायर वर्जन पे होते हैं, हायर सेल्फ पे पहुंचते हैं, तो उनका ऑरा बहुत चमकदार, शाइनी होता है। इसी तरीके से हम इसको विंग्स के रूप में दिखाते हैं, पंख के रूप में दिखाते हैं। हमारी इच्छा शक्ति, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहें, क्योंकि देखिए आभूषण, जैसे कि आप देवी देवताओं को देखते हैं ना, खूब अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए, देवी जो है आभूषण पहने हुए हैं, रत्न पहने हुए हैं, एक्चुअली उस तरह से जब आपकी हायर DNA कॉन्शसनेस पे पहुंचते हैं, हायर अपने सोल सॉन्ग की मैक्सिमम स्टेज पे आप पहुंचते हैं, तब इसी तरह से आप चमकदार, शाइनी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आप एक आभूषण पहने हुए हैं। हमारे भारत में भी इसको आभूषण के द्वारा अलंकृत किया गया है, और वेस्टर्न में
ये पंख के द्वारा या बाहरी प्रतीक के द्वारा इसको किसी एक सिंबलाइजेशन के थ्रू दर्शाया गया है, उनकी चमक को, उनके शाइननेस को, उनकी ऊर्जाओं को। उसी तरह हमारे भारत में भी देवी देवताओं को देखिए, उनका इतना ज़बरदस्त ऑरा है, एक्चुअली उनका हर चीज़ चमकता हुआ खुद खूबसूरत से दिखते हैं। इसीलिए जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उस चीज़ को बहुत आर्टिस्टिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इस ऑरे को, उनके इस चमकदार। अब हमारे भारत को देखिए कि जैसे कोई देवी होंगे या देवता होंगे, उनके सर के पीछे एक गोल सूर्य सा, एक शाइन सा चमक रहा होगा, कोई अवतार होंगे। तो उनके इस ऑरे को, यहाँ पे आप शिव को देखें या विष्णु को देखें या आप किसी जीजस को देखें, या हम जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके पीछे एक वाइट लाइट ऑरा दिखाते हैं। वो बस एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। जब आप भी अपने हायर वर्जन पे पहुँचते हैं, और ट्विन फ्लेम्स का हायर वर्जन तो हो ही जाता है अगर उनका रियूनियन हो जाए, अगर उनके कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो जाए, कार्मिक ऊर्जाएँ पैटर्न रिलीज़ हो जाएँ, तो वो भी अपने हायर फ्रीक्वेंसीज पे पहुंच जाते हैं। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप में भी ये कैपेबिलिटी है। अभी भले आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हो, लाइफ में अप डाउन चल रहा हो, क्योंकि वो भी एक सिंबलाइजेशन है कि आपके में लाइफ में सफरिंग जो चल रही है, सफरिंग इज़ द पार्ट ऑफ हीलिंग। जब सारी हीलिंग हो जाएगी तो आप भी एक प्योर फॉर्म में पहुंचेंगे। अगर आपका सेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं रहा है किसी से, और किसी तरह का सेक्चुअल एनर्जी, दूसरे कार्मिक बॉन्ड्स को हम नहीं अट्रैक्ट करते हैं, कार्मिक ऊर्जाएँ हमारे में नहीं रहती, तो ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते हैं। हम अपने हायर वर्जन पे बनते चले जाते हैं। उस केस में काफ़ी बार जब हम एंजल्स को भी देखते हैं तो उनके चारों तरफ एक ऑरा, एक विंग्स की तरह नज़र आता है। इसलिए बहुत इन लेडी का प्रश्न एकदम जायज़ था कि गर्ल्स को या ऐसे बॉयज़ को चारों तरफ ये विंग्स क्यों दिखाया था। ट्विन फ्लेम्स के विंग्स होती हैं क्या? आपकी तो नहीं है। अगर आप इस जर्नी में, आपका एक ऑरा हाई होगा ना, वाइब्रेशन हाई होगा, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप लोअर फ्रीक्वेंसीज के संपर्क में जाएंगे लोगों के, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, अचानक से आपकी डाउन भी हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। तो आपको उस समय प्रोटेक्ट भी करना होगा अपना ऑरा, जब तक एक खास विशेष स्थिति पे आप नहीं पहुँचे हैं। अगर उस स्थिति में आप पहुँच गए हैं तो अब आपका सोल सॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग पैटर्न है आपका, आपका वाइब्रेशंस हाई हैं, तब आपकी एनर्जी लो नहीं होती, आप पे डिपेंड करती है। बहुत तरीके से आप अपने आप को हील्ड कर सकते हैं। और आप एक बार जब अपने कई सारे सोलमेट से या सोल फैमिली से मिल जाते हैं, ये बायोलॉजिकल फैमिली नहीं होती है, इवन इसमें बहुत बड़ी फैमिली भी होती है, इसमें बहुत छोटी फैमिली भी होती है। ऐसे मैंने आपको बताया था, एक ग्रुप आया था कुछ दिनों पहले, वो आपस में सब सोलमेट थे, और उसमें कुछ मेंटर और टीचर भी हो सकते हैं जो उनको विशेष स्थितियों में गाइड करें, या आपके लाइफ में ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से कोई टर्निंग पॉइंट आया है, वो आपके सोल फैमिली के हिस्से होते हैं। वही सोल फैमिली के हिस्से आपको आगे ले जाएंगे और आपको गाइड करेंगे, किसी ना किसी तरह आप उनके पास पहुंच जाएंगे, आपको वो गाइड करेंगे, आपके लाइफ में कोई ना कोई आप हायर वाइब्रेशन पे जाने का वो रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तो बिलीव करिए, और ये सारी जो बिलीव सिस्टम होता है, इसी से हम अपने आप को लगातार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रोथ कर पाते हैं। और समझ में आ गया हो दोस्तों, ये विंग्स का मतलब क्या होता है, विंग्स क्यों दिखाए जाते हैं इन गर्ल्स और बॉयज़ में, और हमारे भारत में भी पहले से दिखाए जाते हैं, बट हमको रिलेट करना है इन सभी चीज़ों को। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आया हो, मज़ा अपने दोस्त साथ आते हो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।